ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि च्योन ऋषि का आगमन कैसे हुआ। एक दिन जब भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षि च्योन जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया कि महाराज इस समय हम बड़े दुखी हैं, लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा, उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए परंतु कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सका। आपकी यशोगाथा सुनकर हम आपकी शरण में आए हैं, हमें आशा है कि आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के ये वचन सुनकर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम बोले कि हे महर्षियों, यह समस्त राज्य और मेरे प्राण आपके लिए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं दुष्ट का वध का उपाय शीघ्र ही करूँगा, आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं। तो च्योन ऋषि बोले कि हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किया था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने यह भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक ये शूल रहेगा तब तक वह अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वह प्रायः किसी न किसी ऋषि मुनि तपस्वियों को अपना आहार बनाता है, वन के प्राणियों मनुष्य इत्यादि किसी को भी वह नहीं छोड़ता है। यह सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा कि इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है। यह सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभो, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है, इसलिए लवणासुर से निपटने का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। तो श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो, मैं तुम्हें वहां का राज सिंहासन सौंपता हूं। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ वान देकर कहा, इस अद्भुत वान से ही मधु और कैटब नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था, इसे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वह अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वह तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वह तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वो रणभूमि में तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्री राम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम करके अकेले ही प्रस्थान किया। अयोध्या से प्रस्थान करने के तीसरे दिन शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने मुनि से पूछा कि हे महर्षि, आपके आश्रम के निकट पूर्व में यह किसका यज्ञ स्थल दिखाई पड़ रहा है। तो महर्षि बोले, हे शत्रुघ्न, यह यज्ञ स्थल तुम्हारे कुल के महान राजाओं ने बनवाया था, मैं उनके विषय में बताता हूँ। तुम्हारे कुल के राजा सौदास बड़े धार्मिक हुए थे। एक दिन आखेट करते हुए उन्होंने वन में दो भयंकर दुर्दसु राक्षसों को देखा। राजा ने वान चलाकर उनमें से एक को मार गिराया। यह देखकर दूसरा राक्षस यह कहता हुआ अदृश्य हो गया कि हे पापी, तूने मेरे इस मित्र को निरपराध मारा है, अतः मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कुछ समय पश्चात सौदास का पुत्र वीरसह राज्य देकर सौदास ने वशिष्ठ जी को पुरोहित बनाकर उस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय वही राक्षस अपने प्रतिशोध चुकाने के लिए वहां पे आया और वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से बोले कि आज तुझे मांसयुक्त भोजन कराओ, आज मुझे मांसयुक्त भोजन कराओ, इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अपने रसोइये को ऐसा ही आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह राक्षस रसोइये के वेश में उपस्थित हुआ और भोजन में मनुष्य का मांस मिलाकर राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी सहित वह भोजन वशिष्ठ जी को परोसा। जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि भोजन में मनुष्य का मांस है, तो उन्हें क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि राजन, जैसा भोजन तुमने मुझे प्रस्तुत किया है वैसा ही भोजन तुझे प्राप्त होगा।
तब तो राजा विदिशह ने भी क्रोधित होकर हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा, परंतु रानी के समझाने पर वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनके दोनों पैर काले हो गए। तभी से उनका नाम कल मासत पाद पड़ा गया। तत्पश्चात राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और पूरा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, 12 वर्ष पश्चात आप इस शाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इसका स्मरण भी नहीं रहेगा। अतः हे शत्रुधन, इस प्रकार राजा कल्मासपाद उस शाप को भोगकर पुनः राज्य प्राप्त कर धैर्यपूर्वक राजा का पालन करने लगे। उन्हीं राजा सौदास और राजा क्लासमात का यह सुंदर यज्ञ स्थल है। यह कथा सुनकर शत्रुधन अपनी पर्णशाला में विश्राम करने चले गए। जिस दिन शत्रुधन वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, उसी रात को सीता जी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। तपस्विनी बालाओं से उनके जन्म का समाचार सुनकर महर्षि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर मंत्राचार द्वारा उनके भावी बाधाओं से रक्षा करने की व्यवस्था की। फिर एक का कुश और दूसरे का लव से मार्जन कराया। इस प्रकार बड़े बालक का नाम कुश और दूसरे का लव रखा गया। शत्रुधन को यह भी समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगले दिन प्रातःकाल सब कृत्यों से निवृत्त हो शत्रुधन मधुपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात्रियां व्यतीत कर वे महर्षि च्यवनप्रास के आश्रम पहुंचे। च्यवनप्रास मेरे मुंह से गलती से निकल गया, च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचे। रात्रि होने पर शत्रुधन ने महर्षि च्यवन से लवनासुर के विषय में अन्य जानकारी प्राप्त की और पूछा कि शूल से कौन कौन से शूरवीर मारे गए हैं। च्यवन ऋषि बोले कि हे रघुनंदन, शिव जी के इस त्रिशूल से अब तक असंख्य योद्धा मारे जा चुके हैं। तुम्हारे कुल में तुम्हारे पूर्वज राजा मानधाता भी इसी के द्वारा मारे गए थे। शत्रुधन द्वारा विवरण पूछे जाने पर महर्षि ने बताया कि हे राजन, पूर्व काल में महाराजा युवनाशव के पुत्र महाबली मानधाता ने स्वर्ग विजय की इच्छा से देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। तब इंद्र ने उनसे कहा कि राजा, अभी तो तुम समस्त पृथ्वी को ही वश में नहीं कर सके हो, फिर देवलोक पर आक्रमण की इच्छा क्यों रखते हो? तुम पहले मधुवन निवासी लवनासुर पर विजय प्राप्त करो। यह सुनकर राजा पृथ्वी पर लौट आए और लवनासुर से युद्ध करने के लिए उसके पास अपना दूत भेजा, परंतु उस नरबच्छी लवन ने उस दूत का ही भक्षण कर लिया। जब राजा को इसका पता चला तो उन्हें क्रोधित होकर उस पर बाणों की प्रचंड वर्षा प्रारंभ कर दी। उन बाणों की असह्य पीड़ा से पीड़ित हो उस राक्षस ने शंकर से प्राप्त उस शूल को उठाकर राजा का वध कर डाला। इस प्रकार उस शूल में बड़ा बल है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मानधाता को इस शूल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, अतः धोखे से मारे गए, परंतु तुम निसंदेह ही उस राक्षस को मारने में सफल हो गए। अगले दिन प्रातःकाल होने पर जब लवनासुर अपने पूर से बाहर निकला, तभी शत्रुधन हाथ में धनुष बाण लेकर मधुपुरी को घेर कर खड़े हो गए। दोपहर होने पर वह क्रूर राक्षस हजारों मरे हुए जीवों को लेकर वहां पे आया था। शत्रुधन ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अभिमानी लवन तत्काल उनसे युद्ध करने के लिए तत्काल तैयार हो गया और बोला, तेरे भाई ने रावण को मारा था जो मेरी मौसी सूर्पनखा का भाई था। आज मैं उसका बदला तुझसे लूंगा। तुझे पता नहीं अब तक मैंने बड़े बड़े शूरवीरों को धाराशाही कर चुका हूँ, तेरी भला क्या गिनती है। यह सुनकर शत्रुधन बोले, नराधम, जब तूने उन वीरों को धराशाही किया होगा तब शत्रुधन का जन्म नहीं हुआ था। आज मैं तुझे अपने तीक्ष्ण मानों से सीधा यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। यह सुनते ही लवण ने क्रोध से एक वृक्ष उखाड़ कर शत्रुधन को मारा, परंतु उन्हें मार्ग में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हें उस पर वानों की झड़ी लगा दी, किंतु लवण इस आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे उसने शीघ्रता से एक दूसरा भारी वृक्ष उखाड़ कर उनके सिर पर मारा, जिससे उन्हें क्षणिक मूर्छा आ गई। मूर्छित शत्रुधन को मरा हुआ समझकर वो अपना आहार जुटाने सैनिकों को खाने लगा, अपना शूल लेने नहीं गया। मूर्छा भंग होते ही शत्रुधन ने रघुनाथ जी द्वारा दिया हुआ अमोद वाण लेकर उसके वच स्थल पर छोड़ दिया और ये वाण लवण का हृदय चीरता हुआ रसातल में घुस गया और फिर शत्रुधन के पास लौट आया। उधर लवनासुर ने भयंकर चित्तकार करके अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुधन ने उस नगर को फिर से बसाकर उसका नाम मधुपुरी रखा। थोड़े ही दिन में नगर सब प्रकार से सुख संपन्न हो गया और इस नगर को नवीन रूप पाने में 12 वर्ष लग गए। फिर एक सप्ताह के लिए शत्रुधन अयोध्या चले गए।
अभी इंद्र से वर प्राप्त करके रघुनंदन राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। वे शंबुक वध की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य आभूषण श्री राम को अर्पित किया। वह आभूषण सूर्य के समान दीप्तिमान, दिव्य, विचित्र तथा अद्भुत था। उसे देखकर उन्होंने महर्षि अगस्त्य से पूछा कि मुनिवर, विश्वकर्मा का यह अद्भुत आभूषण आपके पास कहाँ से आया? जब यह आभूषण इतना विचित्र है तो इसकी कथा भी विचित्र होगी। यह जानने के लिए मेरा मन में कौतूहल हो रहा है। श्री राम की जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए महर्षि ने कहा कि प्राचीन काल में एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में कोई प्राणी पशु पक्षी तक भी नहीं रहता था। उसमें एक मनोहर सरोवर भी था। उस स्थान को पूर्णतया एकांत पाकर मैं वहां तपस्या करने के लिए चला गया। सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाने पर मुझे एक पुराना विचित्र आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक भी तपस्वी नहीं था। मैंने रात्रि वहीं विश्राम किया। जब मैं प्रातःकाल स्नान के लिए सरोवर की ओर जाने लगा तो मुझे सरोवर के तट पर हृष्ट पुष्ट निर्मल शव दिखाई दिया। मैं आश्चर्य सुनकर बैठकर उस शव के विषय में विचार करने लगा। थोड़ी देर पश्चात वहाँ एक दिव्य विमान उतरा जिस पर से एक सुंदर देवता विराजमान थे। उसके चारों ओर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत अनेक अप्सराएं बैठी हुई थी। उनमें से कुछ उन पर चमन डुला रही थी। फिर वो देवता सहसा विमान से उतरकर उस शव के पास आया और उसने मैं देखते ही देखते उस शव को खाकर फिर सरोवर में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। जब वो पुनः विमान पर चलने लगा तो मैंने उसे रोककर पूछ लिया कि हे तेजस्वी पुरुष आका, यह देवों में सौम्य रूप और यह घृणित आहार, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं। मेरे विचार से आपको घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। और फिर वो उनकी बात सुनकर दिव्य पुरुष बोला कि मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के पराक्रमी राजा थे और उनका नाम सुदेव था। उनकी दो पत्नियां थीं जिनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था श्वेत और दूसरा का सूरत। मैं श्वेत हूँ। पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बना और धर्मानुकूल राज्य करने लगा। एक दिन मुझे अपने मृत्यु की तिथि का पता चल गया और मैं सूरत को राज्य देकर इसी वन में तपस्या करने के लिए चलाया। दीर्घ काल तक तपस्या करके मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ, परंतु अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा तो बोले, तुम मृत्यु लोक में जाकर अपने ही शरीर का नित्य भोजन किया करो, यही तुम्हारा उपचार है, क्योंकि तुमने किसी को कभी कोई दान नहीं दिया, केवल अपने ही शरीर का पोषण किया है। ब्रह्मलोक भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या के कारण ही प्राप्त हुआ। जब कभी महर्षि अगस्त्य उस वन में पधारेंगे तभी तुम्हें भूख प्यास से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप मुझे मिल गए हैं, अतएव आप मेरा उद्धार करें और मेरा उद्धार करने के प्रतिदान स्वरूप यह दिव्य आभूषण ग्रहण करें। यह आभूषण दिव्य वस्त्र, स्वर्ण, धन आदि देने वाला है। इसके साथ मैं अपनी संपूर्ण कामनाएं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे आभूषण लेते ही राजऋषि श्वेत पूर्णता तृप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए और वो शव विलुप्त हो गया। तो ये था उसका कहानी। तो एनीवेज, हमने आपको बताया था चवन ऋषि चवन के बारे में और हम उसी पे स्टिक रहेंगे, नहीं तो कहानी आगे चलती चली जाएगी। तो ये था चवन ऋषि का आगमन जब वो राम के दरबार में पहुंचे थे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।